नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते आज मैं आपको धनु राशि वाले जो जातक है वो कौन से राशि के साथ शादी कर सकते हैं इसके बारे में सखोल जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। दर्शकों, निवेदन खाली मेरा इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, धनु राशि वाले जो जातक है कौन से राशि के साथ शादी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि 12 राशि होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि उसी 12 राशि को 7 ग्रह दिए गए हैं। चंद्र और सूर्य, उनको एक एक राशि आती है। चंद्र को आती है कर्क राशि, सूर्य को आती है सिंह राशि, बाकी के सभी ग्रह को दो दो राशियां दी गई है। उसमें मंगल को मेष और वृश्चिक राशि दी गई है, गुरु को धनु और मीन राशि दी गई है, बुध को मिथुन और कन्या राशि दी गई है और शनि को मकर और कुंभ राशि दी गई है और शुक्र ग्रह को वृषभ और तुला राशि दी गई है। दर्शकों, आपको खाली इतना ही देखना है उसमें कि ग्रह मैत्री है क्या नहीं, कौन से ग्रह के साथ कौन सी मैत्री होती है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसी से ही ये मालूम पड़ता है कि ये राशि के साथ शादी करना है या नहीं करना है। दर्शकों, गुरु ग्रह धनु राशि का स्वामी है गुरु, और गुरु ग्रह के साथ कौन से ग्रह की मित्रता होती है और कौन से ग्रह के साथ शत्रुता होती है। गुरु ग्रह से मंगल की मित्रता होती है, तो मंगल ग्रह की राशि कौन सी होती है, एक तो मेष होती है और वृश्चिक होती है। फिर गुरु ग्रह की मित्रता होती है चंद्र ग्रह से, चंद्र की राशि है कर्क राशि। उसी प्रकार गुरु ग्रह की मित्रता होती है खुद गुरु ग्रह से, यानी कि गुरु ग्रह के जो स्वामी है राशि है, एक मीन राशि है और एक धनु राशि है, तो यह है मित्रता। शत्रुता कौन से ग्रह से होती है, बुध से शत्रुता होती है, तो बुध ग्रह की राशि है मिथुन और कन्या। शुक्र ग्रह से भी शत्रुता होती है, तो शुक्र ग्रह के स्वामी राशि है वृषभ और तुला। और बचे दो राशियां, एक कुंभ और मकर, यानी कि शनि की राशि, तो गुरु ग्रह की शनि से ना मित्रता है ना शत्रुता है, वो सम राशि मानी जाती है। तो दर्शकों, यहां पे ये समझ में आता है कि गुरु ग्रह से मंगल की मित्रता है, सूर्य की मित्रता है और चंद्र की मित्रता है, और गुरु ग्रह से बुध से शत्रुता है, शुक्र से शत्रुता है, और शनि ग्रह से ना मित्रता ना शत्रुता, यानी कि सम राशि है। तो इसी को फॉर्मूले को देखते हुए, ग्रह मैत्री को और ग्रह शत्रुता को देखते हुए ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि धनु राशि वाले जातक कौन से राशि के साथ शादी कर सकते हैं। जो मित्र राशि है उनके साथ शादी कर सकते हैं, जो शत्रु राशि है उनके साथ शादी करना अशुभ माना जाता है, और जो सम राशि है उनको देखना चाहिए उनके गुण मिलन कितने आ रहे हैं। फिर गुण मिलन आने के बाद सप्तम स्थान भी देखना चाहिए जातक का, तभी ये आप निर्णय ले सकते हैं कि सम राशि के साथ शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में, यानी कि धनु राशि के साथ मेष राशि की शादी होगी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल ये गुरु का मित्र होने के कारण जो भी जातक धनु राशि वाले हैं वो मेष राशि के साथ शादी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज भेजते हैं कि पंडित जी, मेरे शादी में अच्छे गुण मिले, मित्र राशि होने के कारण भी हमारे जीवन में वैवाहिक सौख्य हमें नहीं मिला और हमारी शादी टूट गई। इसका कारण है अपने कुंडली के जो पाप भोग, इस भोग के माध्यम से आप जीवन में पति पत्नी का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, श्री राम जी की और सीता की भी शादी हुई थी, उनके भी गुण अच्छे मिले थे, फिर भी उनको 14 साल वनवास भोगना पड़ा। ये सब अपने अपने कर्मों के भोग रहते हैं, और भोग के माध्यम से उसे भोग भोग के ही ये अपना जीवन बिताना पड़ता है।
तो भोग ये अलग चीज होती है और गुण मिलन ये अलग चीज होती है। आप इससे खाली ये निर्णय ले सकते हैं कि ये लड़के से या ये लड़की से शादी में करूंगा या नहीं करूंगा। तो धनु राशि वाले जो जातक है वो मेष राशि के साथ शादी कर सकते हैं। फिर वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है, शुक्र यानी कि गुरु का शत्रु, इसी के कारण मेष राशि वाले जो धनु राशि वाले जो जातक है वो वृषभ राशि के साथ शादी करना अशुभ माना जाता है, यानी कि शादी नहीं करना चाहिए। फिर मिथुन राशि का स्वामी है बुध, वो भी शत्रु राशि होने के कारण धनु राशि वाले जो जातक है वो मिथुन राशि के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। फिर कर्क चंद्र की राशि है, चंद्र और गुरु में मित्रता होने के कारण जो धनु राशि वाले जो जातक है वो कर्क राशि के साथ शादी कर सकते हैं। फिर सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, सूर्य और गुरु में भी मित्रता होने के कारण जो धनु राशि वाले जो जातक है वो सिंह राशि के साथ शादी कर सकते हैं। दर्शकों फिर आता है कन्या राशि, बुध की राशि, शत्रुता होने के कारण जो भी जातक धनु राशि वाले हैं वो कन्या राशि के साथ शादी नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं तुला राशि, शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि होने के कारण ये इसमें धनु गुरु और शुक्रता में शत्रुता होने के कारण जो भी जातक धनु राशि वाले हैं वो तुला राशि के साथ शादी करना अशुभ माना जाता है। फिर वृश्चिक राशि, धनु के तुला राशि के बाद आती है वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, और मंगल और गुरु में मित्रता होने के कारण जो धनु राशि वाले जो जातक है वो वृश्चिक राशि के साथ शादी कर सकते हैं, यानी कि करना शुभ माना जाता है। फिर वृश्चिक राशि होने के बाद धनु राशि जो गुरु की राशि है, गुरु की धनु राशि के साथ शादी कर सकते हैं। खाली इसमें इतना देखना चाहिए कि दोनों की राशि अगर सेम है, अगर नक्षत्र भी सेम है तो उनका चरण भिन्न होना चाहिए। अगर चरण भी सेम है तो शादी नहीं करना, अगर चरण भिन्न है तो शादी 100% आप कर सकते हो। ऐसे गुण 36 गुण के बराबर माने जाते हैं, वहां पे वर्ण से लेके नाड़ी तक कोई भी दोष नहीं लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं धनु राशि के बाद आते हैं मकर राशि। धनु राशि वाले जो जातक है वो मकर राशि के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि उनके गुण कितने कितने प्राप्त है, 18 गुण के ऊपर होने चाहिए और सप्तम भाव में भी कोई अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। ये देखने के बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन गुरु और शनि में ना शत्रुता है ना मित्रता है, तो ये खाली आपको देखना चाहिए कि उनके गुण मिलन कितना है। उसी प्रकार मकर राशि का भी और उसी प्रकार कुंभ राशि का भी होता है, क्योंकि कुंभ राशि जो भी है वो भी शनि की राशि मानी जाती है, और गुरु हमेशा मकर राशि में नीच माना जाता है। फिर भी कभी कभी ये नीच हुआ भी गुरु मकर राशि में नीच होने के बाद भी शुभ फल देता है, वो कुंडली देखने के बाद ही मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ यानी कि धनु राशि वाले जातक मकर राशि से शादी कर सकते हैं, कुंडली देखने के बाद आपको निर्णय लेना है। उसी प्रकार कुंभ राशि के साथ भी शादी कर सकते हैं। फिर लास्ट वाली जो राशि है वो है मीन राशि, तो धनु राशि वाले जो जातक है वो मीन राशि के साथ भी शादी कर सकते हैं, कारण दोनों का राशि का स्वामी एक ही माना जाता है, गुरु ग्रह। तो गुरु धनु राशि वाले जातक मीन राशि के साथ शादी कर सकते हैं। दर्शकों ये जो मैंने आपको वीडियो बताया, ये जो वीडियो है ये जिसकी राशि अगर धनु भी नहीं रहेगी तो भी उनके लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपके लड़के की और लड़की की शादी आप धनु राशि वाले के साथ अगर आ गई तो आपको मालूम पड़ेगा कि धनु राशि के जातक वाले जो 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 जातक है वो आपके लड़के से या आपके लड़की से शादी कर सकते या नहीं कर सकते हैं। दर्शकों विवाह के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने निकाला है। आज मैंने आपको धनु राशि के बारे में बताया, धनु राशि वाले के जातक वो कौन से राशि के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिटेल्स जानकारी मैंने दिए। हालांकि इसमें आपको भकुर दोष भी देखना चाहिए, भकुर दोष में 3 योग होते हैं, नेष्ट नव पंचम योग, मृत्यु षडाष्टक योग और द्विदार्शकम योग,
ये सब देख के ही आपको निर्णय लेना है कि ये शादी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको जनरल नॉलेज दिया है, आप शादी कर सकते हैं तो आपको आपका टाइम बचेगा और आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं और अपने पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के ही फिर बाद में निर्णय लेना। दर्शकों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।